हेलो एवरीवन जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। खुदा के शुक्रगुजारी करते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। तो अज मैं जी थर्ड नाल शेयर करन लगी हाँ कि मेरे मेकअप बॉक्स के की सी। ये बॉक्स इतने दो सीते हैं क्योंकि आ वाला जोड़ा ग्रे वाला ये मेरे जहेज का सी, आ वाला जोड़ा सी मेरी बली का सी। ठीक है, तो हूँ मैं थोड़े नाल शेयर कर रही हाँ इन्हों खोल के केंद्र में की सी मेरे लॉज की तरफों कड़ा मेकअप से और मेरे जहेज कड़ा मेकअप से। ठीक है, और हूँ आप टाइम वेस्ट किए बिना इन खोलते हैं तो हूँ थोड़ा मैं दिखा रही हूँ। अच्छा जी, सो हूँ मैं समझ नहीं आ रही इन्होंने दोनों के मैं कि बॉक्स पहले खोला। तो पहले आप खोलते हैं जी मेरे लॉज वाला क्योंकि छोटा वा, तो इनू हूँ आप कर दें जी पहले और आप खोलते हैं पहले। अम्मी उन्होंने सैम उन्होंने बिल्कुल भी आइडिया नहीं सी कि मेकअप लेता वा क्योंकि अम्मी ने तो निशा जी मेरी नंद उन्होंने कभी भी मेकअप नहीं किया। सो मैं थोड़े नाल हूँ शेयर कर दी हाँ जी। आ मेरा वैनिटी बॉक्स है जिद जी मैं चीज़ा इस्तेमाल भी करती रही, कुछ चीज़ों के बॉक्स पैसे कुछ दिन नहीं पैसे। सो इसलिए मैं जिदा जिदा चीज़ा मेरे को पी मैं उदे रख ली। ठीक है, आ वाले थानू सारे पता है ब्रशेज होंगे है। तो उस बाद आई एम नॉट परफ्यूम परसन, मैनू परफ्यूम तो बॉडी स्प्रे पसंद नहीं है, लेकिन मेरी शादी तीन चार माह हो गए तो हजे तक भी यही पिया। अच्छा ठीक है, सॉरी या फिर जो मेरा कैमरा मैन है मुझे गाइड कर रहा है। ये है जी फेस वॉश मैं यूज़ करती अभी तक नहीं पड़ा है। ये है जी हूँ ठीक है, ये है जी रिवाज का सनब्लॉक जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है और मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है। मैं हर मेकअप से पहले घर से कहीं भी जाती हूँ नहा के आती हूँ ये लगाती हूँ लाजमी। ठीक है, और इसकी खुशबू बहुत मज़े की है चॉकलेट वाली। सो ये है जी सनब्लॉक जिसका मैंने सैम को बताया था, और ये है जी क्रिस्टाइन का कंटोर पैलेट। इसका ये शेड है और इसके अलावा आ गया है जी यहाँ पर मिस रोज का ब्लशर जो कि मैं ठीक है जो कि मैं लाइट जो है वो सूट के साथ लगाती हूँ, डार्क के साथ भी लगा लेती हूँ लाइट के साथ। और यहाँ पे आ गया है जी हमारा मिस रोज का हाइलाइटर और ब्लशर जो है वो मेरा मोस्ट फेवरेट है। सो इसलिए मैंने मिस रोज का ही इनको कहा था कि लेके आए। ये है जी मिस रोज का आई शेडो पैलेट जिसको मैंने एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किया अभी तक, नहीं हो पड़ा है और लेकिन अब करूँगी आने वाला जो दिन है, अब ईद आने वाली है, ईस्टर आने वाला है, सो मैं करूँगी। और यहाँ पे है जी हुदा का जो कि मैंने देखा ही नहीं खोलकर और मैं खुद भी यहाँ पे। अच्छा जी, चूंकि असी पाकिस्तानी हाँ लाइट जी कोई पता पता नहीं कदों बंद होनी कदों आ जानी। आ जी मेरा मिस रोज़ का आई शेडो पैलेट जोड़ा कि मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, न्यू नहीं पिया वा और मैं खुद भी हूँ देखा वा। ये है जी नेल पॉलिश रिमूवर, इनको मेरे शेड का नहीं पता था सो मैंने बताया था मेरा शेड है जी आइवरी। ये है जी मिस रोज़ का फाउंडेशन, ये है जी शेफर की जिसे बोलते हैं हांडी बेस, और इसके अलावा ये पाउडर है और इसको मैं यूज़ करती रहती हूँ सो इसलिए ये डब्बे का रंग ज़रा अजीब वगरीब है। ये है जी नेल पॉलिश और ये कलर भी मैंने जो है वो बताया था सैम को, लिपस्टिक बाद में दिखाऊँ ठीक है। और यहाँ पे है जी मस्कारा, मैंने खुद कहा था बॉब का लेके आइएगा। और ये है जी हाइलाइटर, एक दफ़ा फिर से इसे एज आ आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। और ये है जी क्रिस्टाइन का आईलाइनर, ये यहाँ पे रहा जी मिस रोज़ का आईब्रो जेल, और ये जी लिप बाम, और इसके अलावा ये है जी मेहंदी ठीक है। और अभी हूँ असं करते हैं जी इन्हों पैक, उस तो अलावा फिर असं शुरू करते हैं जी दूसरे बॉक्स में खोलना तो उस की कुछ आप भी तुम दा नहीं तो लिपस्टिक्स बाद चो दिखावा को दो मिनट बंद करो। अच्छा जी, हूँ आप खोलते हैं जी दूसरा बॉक्स जोड़ा कि मेरे जहेज का सी, और शेयर करते हैं जी थोड़े नाल ठीक है। यहाँ पर आ गया है जी एक बॉक्स, इन्हें की है थानू बाद दिखावे पहले देख लवो की चीज़ा वा।
ये है जी 3-in-1, ये दराज से लिया था मैंने, और ये स्ट्रेटनर भी है, रोलर भी है, और क्रिम्प भी करता है आपके बालों को। मेरे बाल पतले हैं इसलिए फिर मुझे क्रिम्पर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ये सबको पता होगा, ये डिओड्रेंट है, और मुझे ये ज़्यादा पसंद है। उसके बॉडी स्प्रे और परफ्यूम तो ज़्यादा मैंने ये पसंद ना, उसकी बहुत सी बहुत माइल्ड सी खुशबू है। ये है जी फेस वॉश, और इतने रख लीजिए प्राइमर, जिसका मुझे याद नहीं था लेकिन अब मैं लगाया करूँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इंदा तो सारे पता होना वा, ये है जी काजल, ठीक है, जोड़ा कि मैं कभी कभी लगा लूँगी। और एक ये आई शेडो पैलेट था मेरा, जड़ा के होने इस्तेमाल कर कर के भी बहुत बुरी हालत हो गई, ठीक है। और यहाँ पे था जी मेरा एक और आई शेडो पैलेट, जो कि मैंने पोमी राज के यूट्यूब से देख के मैंने ऑर्डर किया था, और ये है जी इसमें मिरर भी है, तो आहा इंदे च पैलेट ओवा शेडा, ठीक है। और ये जी एक दफ़ा फिर से बॉब का मस्कारा, क्योंकि मैंने अभी खोला भी नहीं है। और ये हेयर डू का सामान है, आपको पता है। ये जी वैसलीन कोको रेडिएंट, एक दफ़ा फिर से ये है जी शेफल की हांडी बेस, उसका कलर और है, वो है जी ये जी एवर ग्लो, लेकिन है शेफर की, वो भी एवर ग्लो है लेकिन कलर्स पता नहीं क्यों अलग हैं, वो शायद ये 2x है, वो शायद 4x है, ठीक है। और यहाँ पे आ गए हैं जी मेरे हाइलाइटर्स, ठीक है। आप इनको एज आई शेड भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इनको एज ए हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरी चूड़ियों की वो मेहंदी की लग गई है, ये हैं जी। अभी मैं आपको इनका खोल के दिखाती हूँ पिगमेंट, ये रहा जी। अच्छा, मुझे हाइलाइटर बहुत ज़्यादा पसंद है, सो इसलिए मैं जो है पहले हाइलाइटर जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। ये है जी हाइलाइटर, एक दफ़ा लगाने से ये इसके बहुत ज़्यादा मज़े के रिजल्ट्स हैं। और हूँ ला के धानिया जी थानू दूसरा, जड़ा के आई शेड बहुत ज़्यादा यूज़ होता बहुत ज़्यादा मेकअप, ठीक है। इन्हों वेलविटी शेड्स भी कहते हैं, इन्हों हाइलाइटर भी कहते हैं, और इन्हें मेरे को आसा कलर, ठीक है। और अभी शेयर कर दा सिल्वर भी, सिल्वर है, और ऐसे हाइलाइटर आप इसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एडा वा अच्छा जी, सो मैं सोचा कि मैं थोड़े नाल खोल के एक बार रलवा फेशियल करा, सो मैं खोल लिया डब्बिया। आएगा जी ब्राउन शेड, यहाँ पे है जी पिंक वाला शेड है ये वाला, और ये है जी पीच वाला शेड, और ये आ गया जी ग्रीन शेड, ठीक है। इनके जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े के पिगमेंट्स हैं, और हूँ मैं थोड़े नाल शेयर कर दी हाँ जी। इन्हों बंद कर लवा, एक मिनट बंद करो। अच्छा जी, चूंकि मैं मेकअप सीखा सी तो मैंने पता सी कि मेन ब्रशेज जड़े वो आही तीन, अब ब्लेंडिंग वाला वा, कंटोरिंग वाला वा, अब ब्लशर वाला वा, तो इसलिए मैं ज़्यादा ब्रश नहीं ले, तो मैं इन्होंने पहले भी यूज़ कर दे रही हूँ शादी तो बाद, पहले भी तो शादी तो बाद भी, तो मैंने इसलिए ये वाली जो चीज़ें हैं इसलिए थोड़ी सी डैमेज है, ठीक है। उस तो बाद जी आसी मेहंदी ली सी, ये वाले जी मेरे नेल पेंट्स हैं जो यहाँ पे मैंने लिए थे, ये वाले जो हैं ये मुझे सैम ने लेके दिए थे शादी के बाद, और ये वाले जो नेल पेंट्स हैं वो मैं वहाँ से लेके आई थी, क्योंकि ना ही ज़्यादा रेड हर टाइम लगा सकते हो आप, और ना ही वाइट और सिल्वर से, ठीक है। ये नेल ग्लू है, यहाँ पे नेल्स पड़े हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और लिपस्टिक्स दे रहे हैं, और मैं थानू स्वाचेस बाद दिखाने, और ये जो है ये मेकअप में जान डालने वाली चीज़ है, ये जो है जी ये है जी मिस रोज का लूमिनाइजर इसे कहते हैं, ठीक है। एक ड्रॉप आपने लगाया, ठीक है,
नाल नाल चीज़ा भी बंद करी जाने क्योंकि डुल जाने का भी खतरा वा। और चेक करें होए लाइट भी आ गई है, एंड चेक करें इसका रिजल्ट। ठीक है, हुन आप खोलते हैं जी दूसरी साइड। इनके शेप है जी कॉफिन, और यहाँ पर फाइलर पड़ा है, रिव्यू पड़ी हुई है। संग दहानी है जी पिगमेंट्स है कोई, फिर देख लो लाइट के बीच लाइट आ गई। संग दहानी है जी मैं एक दूसरी साइड जिदे विच हैगा जी मेरा फेशियल और मेरी बेसिस। चूंकि आपां पाकिस्तानी हैं, मैनू पाकिस्तान दियाँ ही चीज़ा पसंद आदि हैं। शेफर का पाउडर बेस है, ठीक है, मिनरल बेस भी कहते हैं, पाउडर बेस भी कहते हैं। और ये है जी फेशियल इसका क्लिंजर bomb.com, इसे कहते हैं डर्मा फाइन का है और सस्ता भी है और रिजल्ट्स बहुत मजे के। आ मैं उतो ला के आई सी, आ भी मैं उतो ला के आई सी। और इसके अलावा ये भी फेशियल की चीज़ों का ही हिस्सा है, ये पूरा फेशियल है। और इसके अलावा जी आ हैगा जी पाउडर बेस, जो कि मैंने मून टच से ऑर्डर किया था और पहले भी मैं ये वीडियो लगाई हुई है, लेकिन हुन मैं इसलिए इतने लाए सी क्योंकि मेरा मूड से कि मैं इतने बनावांगी जी पॉलर, तो फिर देखते हैं हुन अगे खुदा दी मर्जी। तो हुन मैं थोड़े ना इधर स्वॉच शेयर कर दी, बहुत ही मज़ेदार वाह बेस। ठीक है, और इतने हैगा जी मेरा निशान, बहुत ही ज़्यादा इसकी मज़े की कवरेज है। और हूँ मैं थोड़े ना शेयर करने लगी हाँ जी स्वॉचेस, एक मिनट रुको। हम आ लिपस्टिक्स जड़ियाँ सी मेरे लॉज की तरफों से, आ वालियाँ जड़ियाँ सी मेरे वालों से। ठीक है, हूँ आ हैगा जी इधर ऑरेंज शेड, और मैनू इदा पता नहीं है थानू कितने मिलेगा और यदा शेड की आनू। अच्छा, ये लिखा हुआ जी इसका 01 शेड है, स्वीट फेस अप का ग्लो ग्लोसर है, और यदा कलर जरा बहुत मज़ेदार। ठीक है, थोड़ा शेयर कर दीजिए, ऑरेंज कलर है जरा कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। ठीक है, उस तो अलावा जी ये है जी मडोरा की लिपस्टिक, जिसका नंबर है जी 560, और इलेक्ट्रिक पिंक है इसका कलर, पिंक कलर इज़ माय मोस्ट फेवरेट। ठीक है, हूँ आह भी तुम दिखा देता। अच्छा, इस लिप ग्लोसर के बारे में बहुत सारिया भैन पुछदियाँ, भैनों मैनू नहीं पता यदा की नंबर है, कितों मिलता कितों नहीं मिलेगा, लेकिन 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 मैं तो तुरी जाती नहीं लिया लोकल मार्केट चो। ठीक है, ये इसका शेड है रेड। ठीक है, थानू मस्ट हैव शेड्स हैं। ठीक है, ये सारे उसके बाद जी हम आ जाते हैं जी थोड़े लाइट टोन में, जो कि आपके पास होना चाहिए, जो आप हर टाइम शादी के बाद लगा सको। ये भी थोड़ा सा पिंक कलर है, लेकिन लाइट है, इलेक्ट्रिक पिंक से लाइट है। अच्छा जी, मैं थोड़ा दसना भूल गई कि मेरे चेहरे में आ भी हेयर मास्क भी सी, क्योंकि मैं ऑयल वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करती। सो जी बालों की प्रोटेक्शन जी बहुत जरूरी है, सो इसलिए आ हफ्ते च एक बार या दो दफ़ा मैं लगा लेनी हूँ, लेकिन 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 एज ए हेयर मास्क नहीं, एज ए कंडीशनर। ठीक है, सो ये मैं रखना भूल गई सी, सारा कुछ खिल रहा पाया सी, मैं दोबारा थोड़े लिए सारे लिए पैक किया है तो थानू दिखाने लिए। सो हूँ जी मैं दोबारा ये भी मिस रोज़ का। ठीक है, शेड्स इनके नहीं लिखे हुए, और अभी ये है जी उससे भी लाइट कलर आ गया, जो कि है ये वाला। ठीक है, अभी आ वाले रखते हैं जी, हूँ आ जाने जी आप आ वाले शेड्स जेडे कि मेरे इन लॉज की तरफों से, तो उन्होंने अपनी मर्जी ना लाए सी। आ वाली वो लिपस्टिक है जी जी मैं सैम खुद कह के मंगवाई सी, ये है जी स्वीट रोज की, और सुपर रिच कलर है, और इसका शेड है जी, शेड नहीं लिखा अद तो लिखा हुआ 37 नंबर लिखा है इसका। ठीक है, आ गया जी रेड कलर। ठीक है, और
खुशबू इसकी बहुत मज़े की है, इस वजह से मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद था। ये आ गया जी लाइट कलर, जो कि है बहुत ही ज़्यादा लाइट, जो कि मैं रेगुलर घर में लगाती हूँ, पहनती हूँ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आ गया है जी ये वाला एक और रेड कलर, जो कि है टमाटर वाला शायद रेड कलर। ठीक है, आज से जी मेरी लिपस्टिक दी कलेक्शन, तो हूँ आज का ब्लॉग से जी इतने तक, सो मिलते हैं जी हम नेक्स्ट ब्लॉग से। टिल देन बाय बाय, ठीक है, खुदा हाफिज़।